हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोतिया की जनता को मिली सौगातों का हुआ अनावरण। बाड़मेर विधायक ने भामाशाह के कदमों की सराहना की। थान नगरी बाड़मेर जिले की बोतिया ग्राम पंचायत के लिए काफी अहम दिन रहा। रविवार को बाड़मेर विधायक मेवा राम जैन और बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के आतिथ्य में बोतिया की जनता को मिली कई सौगातों का शुभारंभ किया गया। रविवार सुबह बोतिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोतिया के मुख्य द्वार का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इसके बाद विवेकानंद सर्कल पर लगाई गई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण के बाद समाज सेवी राम सिंह बोतिया के पिता की स्मृति में स्वर्गीय मोटू सिंह बोतिया की स्मृति में संचालित पुस्तकालय का उद्घाटन अतिथियों ने किया। इस पुस्तकालय से बच्चों को निःशुल्क हजारों पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद अतिथियों ने भारत माता एवं सरस्वती माता मंदिर की प्रतिष्ठा में शिरकत की। ये मंदिर गांव के विभिन्न भामाशाहों की मदद से बने हैं। इन मंदिरों की प्रतिष्ठा के बाद अतिथियों ने नवक्रमोन्नत विद्यालय का लोकार्पण किया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि बाड़मेर विधायक मेवा राम जैन, कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर बाड़मेर जिला प्रमुख एडवोकेट महेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोहनदान रत्नू मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर, विशेष अतिथि के तौर पर उप पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित और उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल पुष्पेंद्र सिंह आड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी मूलाराम बेरड़, बाड़मेर प्रधान प्रतिनिधि खरताराम गोदारा, जिला परिषद सदस्य कमला कंवर राजपुरोहित बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं आयोजन में साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड के भीकाराम विशोई, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बलराम प्रजापत, पंचायत समिति सदस्य वाली देवी, कपूरटी सरपंच हीरा देवी, राम सिंह बोथिया, तेजतान चारण, कृष्ण सिंह रानीगांव, भाड़खा का सरपंच प्रतिनिधि खंगार कुमावत, विशाला आगोर सरपंच दलपत सिंह, बालेरा सरपंच प्रतिनिधि अर्जुन सिंह, रोहिणी सरपंच प्रतिनिधि अलसाराम समेत सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।